हरित ग्रुप ऑफ कंपनी डिजिटल सोलर इंडिया लाई है आपके लिए रोजगार का शानदार मौका। कंपनी को जिलों में चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर कोऑर्डिनेटर, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर और न्याय पंचायत कोऑर्डिनेटर। इसके साथ ही किसानों के लिए भी आया बम्पर ऑफर। कंपनी का स्मार्ट कार्ड बनवाने पर खाद से लेकर कृषि उपकरणों तक मिलेगी 50% तक की सब्सिडी और आसान किश्तों में मिलेगा सोलर पैनल। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है दुर्गापुर बाजार, मनसा कोल्ड स्टोरेज के पास, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे, अमेठी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलारो, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर के बल्दीराय ब्लॉक सभागार में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सुल्तानपुर से 15 सदस्यों की ताई कमांडो टीम लखनऊ के लिए रवाना हुई। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होने वाले 4 दिवसीय ताई कमांडो प्रतियोगिता में प्रदेश के अन्य जिले से आए खिलाड़ियों से इनका मुकाबला होगा। सुल्तानपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिना भेदभाव के सभी के लिए सबका साथ सबका विकास योजना के अंतर्गत काम कर रही है। सुल्तानपुर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा धर्मेंद्र तिवारी के बेटे नृपेंद्र तिवारी ने नीट परीक्षा में 570 रैंक हासिल करके जिले का मान बढ़ाया है। नृपेंद्र ने पहली बार में ये सफलता हासिल की है। सुल्तानपुर के कुड़वार ब्लॉक सभागार में भाजपा संयुक्त मोर्चा ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला मंत्री प्रदीप शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। सुल्तानपुर में राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की ओर से जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत ब्लॉक मुख्यालय से मिशन की गाड़ी को वीडियो सत्यनारायण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमेठी के संग्रामपुर थाना के सहजीपुर गाँव के पास से एक सारस घायल अवस्था में दिखाई दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सारस को अपने साथ ले गई। अमेठी में आरिफ और सारस की दोस्ती के बाद चंदन का भी सारस के साथ दोस्ती का वीडियो वायरल हो रहा है। वन विभाग की टीम ने संज्ञान लेते हुए सारस का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर अपने साथ ले गई। अमेठी के वारिसगंज में दया ऑटोमोबाइल्स ने किसान गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी के जोनल हेड पुष्पोन सिंह ने शिरकत की। अमेठी में 93 ANM को कागजों की वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर CMO और ACMO डॉक्टर अजीजी भी मौजूद रहे। अमेठी में चल रही BEd प्रवेश परीक्षा केंद्रों का पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। मौके पर सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। अमेठी के जगदीशपुर CSC अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने TB के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली का आयोजन किया। TB की जांच और उसके इलाज के बारे में जनता को जानकारी दी। जौनपुर की किराकत नगर पंचायत में जनता के लिए कहीं भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने जनता दर्शन में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। रामपुर में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने थाना कोतवाली में नवनिर्मित पुलिस चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारियों को संबोधित किया। लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज को जाने वाली रोड की हालत बहुत खराब है। राहगीरों की शिकायतों के बाद भी इस रोड का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में एंटी रोमियो द्वारा जनपद के सभी प्रमुख बाजारों और स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं में आत्म सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।